हेलो आज आप साथ मैं एक ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ लेकिन ये काफ़ी स्वीट होने वाली है तो जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है उन्हें ये बहुत बड़ा पसंद आएगा तो न्यूडेला का जब भी डब्बा बचा सकता है ना लास्ट लास्ट स्पून बचा होता है जो तो मैं हमेशा उसके अंदर ड्रिंक बनाती हैं आपने सर्दियों में देखा होगा मैंने एक ड्रिंक शेयर करती है अगर इसी को नहीं आता तो जाकर चेक करना तो वैसे ही मैंने सोचा कि अभी कुछ बनाते हैं तो मैंने सोचा एक तो मैंने लिया साथ में एक चम्मच पीनट बटर और नुडाला इनका शेक बनाएंगे और बहुत टेस्टी हो ट्राई करना फिर उसके बाद आ, हाँ आप ये कर सकते हो कि ज़्यादा स्वीट नहीं चाहिए क्योंकि नटेला के अंदर ऑलरेडी शुगर होता है तो आप अन स्वीटेड पीना बटर ले लो फिर उसके बाद साथ में डालो दूध और मेरे को जाननी थी आइसक्रीम पर बस आइसक्रीम नहीं थी और मुझे फ्रिज में पता कि मैं भी कंडेंसड मेम थोड़ा सा डाल के देखते क्या बहुत तो टेस्टी हो जाए इसके कारण शायद ज़्यादा स्वीट हो गया था लास्ट में पर कॉम्बिनेशन नटेला और पीना बटर का बहुत ज़्यादा टेस्टी था क्या आपने कभी ट्राई करा है ट्राई करके देखो और मुझे बताना कैसे लगता है ये तो वो बात हो गई कि एक तरफ से अम, हेल्दी कुछ एक तरफ से अनहेल्दी कुछ <laughs> <laughs> बैलेंस <ट> आउट <laughs> फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा मिल्क विल्क डाला मिक्स करा और इसमें रिव्यू भी कर देते हैं एक प्रोडक्ट अमेजोन से मैंने ये आ, मंगाया फ्रोथर सा इसके अंदर मैंने सोचा था तो कॉफ़ी वॉफी बनाऊंगी कॉफ़ी भी नहीं बनती इतनी इतनी देर तक शेक मैंने सोचा बनाती हूँ वो भी नहीं बन रहा किसी काम का नहीं है ये फिर मुझे मम्मी वाला ही हैंड ब्लेंडर लेना पड़ता है और उससे सब कुछ मिलना कराना पड़ता है पर ये छोटा है तो इससे थोड़ी छीटें बाहर निकल रही ध्यान से छूट भी तो कर रही होना ना यार एक हाथ से आ, <laughs> लेट नाइट स्नैक्स और भी आने वाले हैं इस वीक तो मिनट इसको मैंने मिक्स करा काफ़ी केयरफुली और अभी रेडी हो गया है तो ये करा ऊपर से आइस डाली दूध मैंने कम डाला क्योंकि मेरे को कम दूध और ज़्यादा आइस वाली ड्रिंक्स पसंद है जिनको ज़्यादा ज़्यादा गाढ़ा दूध पसंद है वो मस्त पी हो आजकल मैंने पता है बादाम के दूध में भी स्विच कर लिया क्या आपने कभी ट्राई करा है? ये तो रेडी हो गया काफी टेस्टी था शेयर करूँगा उनसे जिनको ट्राई करना चाहिए नया तो चैनल को सब्सक्राइब